इंदौर जिले की महू में सीधी कांड को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है और एसडीएम कार्यालय पर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें भाजपा नेता पर सख्त कार्रवाई करने सहित मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की। मध्य प्रदेश के सीधी में भाजपा नेता द्वारा एक आदिवासी के ऊपर पेशाब करने के मामले ने तोल पकड़ लिया है, जिससे पूरे देश के साथ साथ प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। इसी क्रम में इंदौर जिले के महू में कांग्रेस के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर आदिवासी समाज के जननायक तंटिया मामा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है और शिवराज सरकार में आदिवासियों पर हो रही अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन कर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल के जो विधायक प्रतिनिधि ने किस प्रकार से एक आदिवासी बालक के मुंह पर पेशाब की है, उसी के विषय में आज का ज्ञापन है। और ऐसा करते तो शायद मानव जीवन में देखने को हमको इतने सालों में नहीं मिला था जो आज हमको ये देखने को मिला है शिवराज चौहान के शासनकाल में, जो कि बहुत ही निंदनीय है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और सिर्फ ये मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है, मेरी तो मांग है इस ज्ञापन के माध्यम से, हमने लिखा है ज्ञापन में कि शिवराज सिंह चौहान को एक दिन भी पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है, तुरंत उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और आदिवासी समाज से माफ़ी मांगना चाहिए, तभी उनको भगवान माफ़ करेगा। जिस प्रकार से रोज झूठ बोलना, उनके इतने पाप हो गए हैं, इन पापों का घड़ा भर गया और ये पाप के घड़े इसी रूप में सामने आई है, क्योंकि जब पाप का घड़ा भरता तो मालूम नहीं पड़ता है। और ये जो कृत्य उनका किया है, ये प्रकृति द्वारा, प्रकृति का न्याय कैसे हो, उसी के मद्देनजर उनके विधायक प्रतिनिधि से, उनके पार्टी के कार्यकर्ता से ये करवाया गया है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान को समझ लेना चाहिए कि अब उनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। वैसे भी उन्होंने सरकार चुरा कर बनाई है, उनको तो सरकार जनता ने नकार दिया था, आगे भी जनता 4 महीने बाद नकारेगी, ये उसके सिम्टम है, ये उसके दृश्य दिखाई दे रहे हैं। तो आज हमारी मांग यही है कि वो इस्तीफा दे और तुरंत हमारे आदिवासी भाइयों से माफी मांगे। महू से सुनील काली की रिपोर्ट।